हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप भी माई एसक्यूएल पर अगर काम करते हैं और माई एसक्यूएल यानी डेटाबेस के कुछ डिफरेंट टर्म्स आपको अभी समझ नहीं आते तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्लिक करता हूं ताकि यहां पर एक डेटा इस तरीके से आ जाए और यहां पर न्यू मॉडल हम लेते हैं। जैसे न्यू मॉडल आप लेते हैं तो यहां पर नीचे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि यहां पर ऐड टेबल। जैसे ही आप करेंगे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा। देखिए यहां कॉलम नेम है, डेटा टाइप है और यहां पर ये क्या है, पीके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीके? पीके का मतलब होता है प्राइमरी की। ठीक है, दूसरा जो फुल फॉर्म है वो है एनएन। एनएन का मतलब क्या होता है? एनएन का मतलब होता है नॉट नल। ठीक है, तीसरा जो है यूक्यू है, यूक्यू। यूक्यू का मतलब और कुछ नहीं है, यूनिक है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है बी, फिर यहां पे दिया गया है यूएन। पहले यूएन का जानते हैं, तो यूएन का क्या होता है? यूएन का होता है अनसाइंड। आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा अनसाइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर, तो वो अनसाइंड। ठीक है, इसके बाद जेड एफ दिया गया, जेड एफ का मतलब जीरो फील्ड। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एआई का मतलब क्या होता है? एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहां पे इस पर टिक किया तो ये देखिए यहां पे ये ऑटो इंक्रीमेंट यहां पे होता है एआई का फुल फॉर्म। ठीक है, यहां पे बी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी। याद रखिएगा बी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी। ठीक है, और यहां पे दिया गया है जी। ठीक है, तो यहां जी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी का फुल फॉर्म होता है जनरेटेड। क्या फुल फॉर्म होता है? जनरेटेड। तो आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आगे के वीडियोस में कैसे कैसे माई एसक्यूएल बेंच पर टेबल बनानी है, कैसे कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा शाम को 4 बजे से टैली की लाइव क्लास चलेगी, तो जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।